दोस्तों नमस्कार जोहार, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों मछली के बीज बिक्री का जो काम कर रहे हैं जो हमारे किसान भाई, वो जानते हैं कि मछली के बीज बिक्री किस प्रकार किया जाता है। लेकिन जो हमारे भाई और बहन नए नए इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उनको समस्या आ सकती है, तो उसको दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, जिसको आप अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों मछली बीज बिक्री अर्थात कि आपके नर्सरी तालाब में जो स्पॉन है वह फ्राई या फिंगरलिंग का आकार पकड़ लिया है और उसकी बिक्री करनी ज़रूरी है। तो बिक्री करने के पहले आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। एक तो कुछ सामग्री है जो कि आपके नर्सरी तालाब या फार्म पर रहना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है एक फ्राई कैचिंग नेट, जिससे कि आप बीज को निकालेंगे तालाब से। दूसरा है हापा। हापा जो है आप जानते हैं कि 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा होता है, जिसको 4 डंडे की सहायता से तालाब में लगाया जाता है और जिसमें बीज रख करके बिक्री की जाती है। इसके अलावा चाहिए विशेष प्रकार के पॉलीथीन बैग, जिनमें बीज को पैक करके परिवहन किया जाता है। इसके बाद चाहिए आपको रस्सी, जिससे कि बीज को बांधा जाएगा, पॉलीथीन बैग को बांधा जाएगा। और फिर चाहिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर और उसका रेगुलेटर और पाइप, तो ये सब। और फिर चाहिए आपको ट्रे और बाल्टी और मग और एक छोटा स्टील का कटोरा जिसमें छेद रहेगा, जिससे कि बीज की मापी की जाएगी। तो ये सामान आपको पहले सबको आपको व्यवस्था करके रखना है। बीज बिक्री के दिन सबसे पहले आपको लगभग 50 से 100 पॉलीथीन बैग को चेक करके अलग करके रख लेना है। चेक करना अर्थात कि उसमें कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा। तो आप 100 पॉलीथीन बैग और 100 उसके बांधने के लिए सुतली या रस्सी आप रख लेंगे। इसके बाद आप 4 डंडों की सहायता से या बांस की सहायता से हापा को तालाब में बांधेंगे। कहीं कहीं पर किसान भाई लोहे के रॉड का भी प्रयोग करते हैं, जो कि मजबूती से तालाब में और आसानी से फिक्स हो जाता है। तो हापा बांधने में ध्यान देना है कि 3/4 हिस्सा जो है हापा का वो पानी के अंदर रहेगा और 1/4 बाहर रहेगा। उसके लिए आप एक आधे ईंट का टुकड़ा को उसमें बांध करके बीच में रख देंगे, तो वो नीचे उसको दबा के रखेगा। इसके बाद क्या करना है कि फ्राई कैचिंग नेट की सहायता से तालाब से बीज को निकालना है और बाल्टी या प्लास्टिक के गमले की सहायता से बीज को जाल से उठा करके वो हापा में डाल देना है और डालकर छोड़ देना है 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तक। इस अवधि में क्या होगा कि उनको भोजन नहीं मिलेगा और जो पेट में भोजन होगा वो निकल जाएगा, पेट खाली हो जाएगा। तो परिवहन के दौरान वे जो है सो उत्सर्ज नहीं निकालेंगे। इससे क्या होगा कि पानी में अमोनिया या यूरिक एसिड ये सब नहीं बढ़ेगा और उनका परिवहन दूर तक हो सकेगा। तो इसको बोलते हैं कंडीशनिंग करना, अनुकूलन करना। जितना दूर जाना है उतना ही अधिक समय तक अनुकूलन करना जरूरी हो जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी जानकारी आपको रहने से आपका बीज रास्ते में कहीं नहीं मरेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसी दौरान जब आप अनुकूलन के लिए बीज को छोड़े हुए हैं हापा में, तो एक कटोरा लेकर के उसमें बीज निकालिए, एक बाल्टी में पानी में रखिए और उसको 1, 2, 3, 4 करके गिन दीजिए। मान लीजिए कि एक कटोरे में आता है 500 बीज, तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि यदि किसी कस्टमर को, किसी ग्राहक को 2000 बीज देना है, तो 4 कटोरा आप बीज दे देंगे, उनको 2000 हो जाएगा। यह काम आपको प्रतिदिन करना है, क्योंकि बीज का साइज जो है वो बढ़ता है और प्रतिदिन जो काउंट है उसमें कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी। छोटा बीज ज़्यादा आएगा, बड़ा बीज कम आएगा। तो प्रतिदिन आपको सुबह में जांच कर लेना है कि एक कटोरा में आज कितना बीज आ रहा है, उसी हिसाब से दिन भर आपकी बिक्री होगी। तो इस तरह से यदि कोई कस्टमर आता है तो आप क्या करेंगे कि एक पॉलीथीन बैग लेंगे, उसमें आधे से थोड़ा कम पानी रखेंगे और कटोरा से नाप करके उसमें बीज डाल देंगे। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस उसमें लेके पैक कर देंगे और पैक करके उसको बोरे में या कार्टून में उसको रख देंगे। अब वह परिवहन के लिए तैयार है। तो इस तरह से आप बीज की बिक्री कर सकेंगे, उसका हिसाब रखेंगे। और आप यदि चाहते हैं तो एक चार्ट जो है मूल्य तालिका की, कतला का बीज कैसे है, रेहू का बीज कैसे है प्रति हज़ार की दर से, या यदि आप किलो से बेचना चाहते हैं तो प्रति किलो की दर से, उसका एक चार्ट बना करके वहाँ आप प्रदर्शित भी कर सकते हैं, जिससे किसान भाइयों को आसानी हो जाएगा दर की जानकारी लेने में।
आप चाहे तो फिर मिक्स्ड बीज का भी आप रख सकते हैं, सब मिला जुला के लीजिएगा तो इस रेट से मिलेगा। आप अपने फार्म का या नर्सरी तालाब के प्रचार के लिए एक छोटा बोर्ड भी वहाँ लगा सकते हैं, जिसमें एक नाम दे करके मछली बीज बिक्री केंद्र, यहाँ पर उन्नत किस्म का मछली का बीज मिलता है, प्रोप्राइटर में अपना नाम और फ़ोन नंबर देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी व्यवस्था कर लेंगे तो लोगों को भी जानकारी हो जाएगी कि यहाँ पर मछली का बीज मिल रहा है और आपको बेचने में आसानी होगी। जब बीज बिक्री का कार्य समाप्त हो जाए तो जाल को कृपया धो करके सुखा देंगे, हापा को निकाल करके सूखने के लिए छोड़ देंगे, सारे सामग्री को इकट्ठा करके अपने स्टोर रूम में रख लेंगे और फिर अगले दिन का इंतज़ार करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन प्रक्रियाओं का पालन करने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और बीज बिक्री आपकी सफलतापूर्वक होगी। इसमें यदि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।